थॉर ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर एक 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस को लगभग हरा दिया था, पर एंड गेम के अंदर आखिर थॉर बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस से कैसे हार रहा था। एंड गेम के अंदर थॉर को काफी वीक और फैट दिखाया गया था। आप ऐसा सोच सकते हो कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में थॉर ने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की थी, इसलिए वो एंड गेम में वीक था। पर थॉर 1500 साल से ज्यादा ओल्ड है और अगर वो 5 साल नहीं लड़ता है तो इससे थॉर कमजोर नहीं हो जाता है। एंड गेम के अंदर थॉर कमजोर इसलिए था क्योंकि वो मेंटली डिप्रेस था। थॉर रैग्नारॉक समय पता है कि जब थॉर अपने एबिलिटी पे सबसे ज्यादा विश्वास करता है तब थॉर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, अगर उसके पास कोई वेपन ना हो तब भी। पर क्योंकि एवेंजर्स एंडगेम के अंदर थॉर डिप्रेस था इसीलिए थॉर काफी ज्यादा वीक भी था उस मूवी के अंदर। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।